हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक है फाइनेंशियल सेक्टर का, ये शेयर काफ़ी अच्छा है। जब से लिस्ट हुआ है काफ़ी अच्छा रिटर्न ऊपर की तरफ गया है, बट पिछले नवंबर से इसमें गिरावट रही है। उसके कारण जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। जबकि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, तब भी स्टॉक में गिरावट है और काफ़ी इन्वेस्टर्स जो काफ़ी ऊपर के लेवल पर चकरा गए हैं एक तरह से समझिए। जब से इसमें गिरावट आई है, लुढ़का हुआ है, आज भी इसमें गिरावट है फ्रेंड्स। और अब इसमें जो मेन कारण एक रहा है, जो संस्था है, तो माइक्रो फाइनेंस में जो आसाम में एक धरना प्रदर्शन हुआ था, वहाँ नवंबर में एक खबर आई थी, तब से इसमें गिरावट है फ्रेंड्स। और वो अभी बनी हुई है खबर, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट इनका रहता है, एक ये कारण रहा है। और दूसरा कारण रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से CAA और NRC को पास किया गया है, तो उसके वजह से भी एक दिक्कत पैदा हुई है आसाम में और पूरे इंडिया में दिक्कतें पैदा हुई हैं। तो काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि वहाँ से कम लगभग आप मान के चलिए बंधन बैंक का जो बिज़नेस है लगभग 15-20% के आसपास है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वहाँ पे बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं करके। अब देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से ये न्यूज़ बनी रहती है और स्टॉक के ऊपर प्रेशर कितना रहता है आने वाले दिनों में, देखना पड़ेगा ये चीज़। और तीसरा कारण यह है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो एस्टिमेट जो रिसर्च हाउस देते हैं उनसे कमी पेशी रही है, इसके वजह से भी गिरावट रही। अब देखिए, आम इन्वेस्टर्स जो सोचते हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है और लेने की कोशिश करते हैं, क्या काफ़ी व्यूअर्स पूछ रहे थे कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, ये इसमें गिरावट क्यों रही है। तो नवंबर में जो खबर आई थी, एक पुरानी खबर जो संस्था के द्वारा इसमें प्रोटेस्ट के लिए, जो माइक्रो फाइनेंस के लिए जो आसाम में प्रोटेस्ट किया गया था, उसके वजह से वहाँ से इसमें दिक्कतें पैदा हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसका सबसे पहला आज ये जो खबर है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट दिखाने की कोशिश करेंगे Q3 का, और उसके बाद आपको जो है ट्रेड दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद टेक्निकल दिखाने की कोशिश करेंगे कहाँ तक ये आ सकता है। पिछले जनवरी में भी ये अपने लो से काफ़ी ऊपर की तरफ लगभग 650 तक गया है, बट अब वहाँ से ये गिरावट में है। लगभग पिछले 3 महीने से लगभग 550 से अब ये 477 के आसपास बंधन बैंक कारोबार कर रहा है। और ज़्यादातर इनका जो लोन रहता है, जो स्मॉल जो बिजनेस करते हैं उनके लिए रहता है, बट इंटरेस्ट काफ़ी रहता है इन लोगों का। तो इसी की वजह से आसाम में प्रोटेस्ट किया गया था ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बंधन बैंक में एक पुरानी खबर थी फ्रेंड्स, उसमें कुछ संस्था प्रोटेस्ट कर रही थी। जकार्ता महिला सुरक्षा समाज स्टेज ए प्रोटेस्ट अगेन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। तो इसके वजह से भी एक फ़र्क पड़ा है। लगभग आपने देखा होगा कि नवंबर से ये से ऊपर की तरफ नहीं गया है, जबकि काफ़ी अच्छा रिजल्ट और काफ़ी अच्छा इसका रिकॉर्ड रहा है। अब जबकि आपने देखा कि निफ्टी तब से काफ़ी ऊपर की तरफ और बैंक निफ्टी भी काफ़ी ऊपर की तरफ। और दूसरी बात, दूसरी जो अभी लेटेस्ट जो खबर है, जो आसाम में NRC के द्वारा जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है बैंक के ऊपर। तो ये दो खबरों के वजह से बंधन बैंक में दिक्कत पैदा हुई है और जो इनकम है थोड़ा सा दिक्कत है फ्रेंड्स। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से रहेगा तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी हो सकता है कि कुछ कमी पेशी रहे। इसीलिए स्टॉक को अभी टेक्निकली देखने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। और ये खबर बतानी थी, वो पुरानी खबर है ये, और जो भी लेटेस्ट NRC जो लागू हुआ है उसके वजह से भी आसाम में पहले से चल रहा है फ्रेंड्स, वहाँ पे काफ़ी धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसके वजह से भी काफ़ी आसाम में लगभग ये 15-20% का इनका बिजनेस है फ्रेंड्स, और काफ़ी इफेक्टिव पड़ा है दो खबरों के वजह से। और इसी के वजह से, ये खबर के वजह से बंधन बैंक का जो स्टॉक है नीचे की तरफ है, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो ये खबर थी फ्रेंड्स। अब बंधन बैंक में जो प्रेशर रहा है, खबरों के कारण प्रेशर रहा है, इसमें देखिए थोड़ा सा NPAs बढ़ा है लगभग कि जो NPAs थोड़ा सा दिक्कत में रहा है, 0.8% अगेंस्ट 0.7 एज ऑन December 31, 2018 स्टैंड ऑन। अब इसमें देखिए जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चंद्रशेखर घोष, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बंधन बैंक, सेड Q3 FY20 हैज़ बीन सेटिस्फाइंग क्वार्टर गिवन द चैलेंजिंग फेज ड्यूरिंग द क्वार्टर ड्यूरिंग द बैंक हैज़ मेड एडिशनल प्रोविजन 200 crores ऑन द स्टैंडर्ड
एडवांस इन माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो आफ्टर एवेल्युएटिंग रिस्क ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इसके वजह से अभी स्टॉक में गिरावट है फ्रेंड्स, और देखिए आई एम पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट ऑन द बिजनेस एंड ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। कॉन्फिडेंट है सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जो बंधन बैंक के हैं चंद्रशेखर घोष जी। अब इनका देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है लगभग 1,541 करोड़ का, पिछला था 1,124 करोड़ का, लगभग 37% ऊपर की तरफ है। और नॉन इंटरेस्ट इनकम देखिए लगभग 358 करोड़ का, और पिछला था 53% मान के चल सकते हैं। और टोटल इनकम देखिए 1,899 करोड़ का रहा है, और पिछला था 1,358 करोड़ का, और 40% ऊपर की तरफ है। और देखिए टोटल प्रॉफिट में ये जो इनका रहा है लगभग 731 करोड़, और पिछला था लगभग 331 करोड़ का, लगभग 120% ऊपर की तरफ था। बट जो स्टॉक में गिरावट है, एक कारण रहा लगभग 200 करोड़ का प्रोविज़न, दूसरा कारण एनआरसी का जो लागू होना, और तीसरा ये है कि जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है माइक्रो फाइनेंस के अगेंस्ट, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट लिया जाता है, तो उसी के वजह से ये दिक्कत हुई है बंधन बैंक में। देखिए एनपीएस नेट एनपीएस में लगभग देखिए 0.8% है, और पिछला था 0.8, और लगभग 120% ऊपर की तरफ है, तब भी जो स्टॉक है नीचे की तरफ है। लगभग देखिए 200 करोड़ का एडवांस प्रोविजन किया गया है, और लोन पोर्टफोलियो इंक्रीज लगभग 88% 65,456 करोड़ का है। तो फ्रेंड्स ये रिजल्ट था, और रिजल्ट में ठीक ठाक है। और बंधन बैंक का जो मेन फोकस रहता है रिटेलर्स के जो गांव के जो एरियाज़ में हैं उनके ऊपर रहता है, बट काफ़ी इनका ब्याज भी काफ़ी रहता है फ्रेंड्स, और इसके वजह से काफ़ी इनको प्रॉफिट भी रहता है। और ज़्यादातर जो रिटेलर होते हैं तो वो अपना लोन भी चुकता कर देते हैं, बट ये है कि अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर उसके वजह से दिक्कतें हैं। तो फ्रेंड्स ये बंधन बैंक का रिज़ल्ट था, और ये बंधन बैंक लिमिटेड का जो आज का ट्रेड हो रहा है फ्रेंड्स उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये एनएससी की वेबसाइट है, लाइव ट्रेडिंग हो रही है इसमें अभी। तो लो है लगभग 473.80 रुपये में है, हाई क्या है 498 रुपये के आसपास, और ओपन हुआ है 495.50 रुपये। प्रीवियस क्लोज था 492.30 रुपये, यानी मीन्स 490 से ऊपर की तरफ हाई और प्रीवियस क्लोज और ओपन है, अभी 477 के आसपास है ये, और 477 के आसपास है। अगर ये कुछ दिन के बाद अगर 470 से नीचे कारोबार करता है तो आपको फिर ये लगभग 440 और 450 तक भी दिख सकता है, उसको अभी टेक्निकली देखने की कोशिश करेंगे। 29 अक्टूबर 2019 को पिछले साल 650 के आसपास था, और जनवरी में लो के आसपास था लगभग 397 के आसपास। तो जनवरी इस जनवरी में भी ये अपना एक तरह से मान के चल सकते हैं कि लो बनाने के लिए नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें एक जो खबर है जैसे कि बताने की कोशिश थी आप लोगों को, तो उसी की वजह से इसमें गिरावट है, कुछ प्रोविज़न भी किया गया है जो लगभग 200 करोड़ का, तो उसके वजह से भी है। लगभग ये शेयर होल्डिंग है आपका लगभग 60.96 में है, अभी अक्टूबर में था, और इसमें ग्रो फाइनेंस का भी मर्जर हुआ था जैसे कि आप जानते हैं। अब ये बंधन बैंक का जो टेक्निकल चार्ट है उसमें आ गए हैं, और लगभग देखिए इससे पहले देखिए लगभग 456 के आसपास से ये दिसंबर में ये ऊपर की तरफ लगभग 523 और 525 तक गया था ये, और वहाँ से फिर से इसमें गिरावट आ रही थी, क्योंकि खबर जो बनी हुई है जो इसके लिए दिक्कत का अभी इस वक्त बना हुआ है, तो उसी की वजह से बंधन बैंक अच्छा रिजल्ट एक तरह से एस्टिमेट से नीचे की तरफ है, थोड़ा सा जो प्रोविज़न किया गया है। देखिए बंधन बैंक में जो प्रोविज़न किया गया है उसके वजह से इसमें गिरावट है, और जैसे ही इसने 500 का ब्रेक किया है तो 476 के आसपास आया है, तो अब इस लेग को ये लगभग भरने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर ये देखिए अगर यहाँ पे रुकता नहीं है तो 470 के आसपास अगर रुकता नहीं है तो अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। देखिए ये लगभग ये आप मान के चल सकते हैं कि 444
4:30 तक मान के चल सकते हैं आप। और देखिए ये एक यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ स्कैंडल का लेग नीचे की तरफ बनाया तो 4:55 के आसपास। तो इसमें अभी ये करना चाहिए कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि खबर बनी हुई है इसमें और मीडिया में आ जा रही है, तो जिसके कारण रिजल्ट में भी आपने देखा कि प्रोविज़न किया गया है लगभग 200 करोड़ का। तो बंधन बैंक आने वाले समय में, बट ये अगर खबर निकल जाती है और अच्छा करेगा फ्रेंड्स और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, फिलहाल देखने की कोशिश करिए कि इसको जिन्होंने ऊपर के लेवल पे अगर लिया है, ऊपर की तरफ जाता है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, तो लगभग आप मान के चलिए चलिए इसका जो रेजिस्टेंस अगर रहेगा तो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा 505 और 507 रुपये के आसपास, उसके बाद रहेगा 517 के आसपास, और उसके बाद जो ये यहाँ पे अगर कुछ समय बिताता है तो जैसे कि पिछली बार अभी ये ऊपर से नीचे की तरफ आया लगभग 517 से 525 के आसपास बिताया, तो फिर ये अपना ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा लगभग, देखिए फटा जो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि गिरावट आई थी लगभग 578 तक जाने की कोशिश करेगा। तो इसका जो एक तरह से आप मान के चल सकते हैं कि जो एक बुलिश ट्रेंड एक तरह से होगा, तो 520 के आसपास से ऊपर की तरफ अगर कुछ दिन बिताता है तो आपको ये तेज़ी से ये ऊपर की तरफ 574 570 तक जाने की कोशिश करेगा, बट ये गिरावट यहीं से आई थी, क्योंकि ये अभी देखिए 527 528 के आसपास से गिरावट आई थी। काफ़ी तेज़ी से अप डाउन होता है बंधन बैंक, और इसमें जिस तरह से गिरावट आई है खबर के कारण और थोड़ा सा रिजल्ट में भी प्रोविज़न किया गया है उसके कारण गिरावट आई है, तो इसमें यही कहना चाहिए कि इसको लगभग 444 और 430 के आसपास कुछ परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहिए, और जैसे ही आपको लगभग अगर आप 570 और 580 का सबसे पहले इसको देखना चाहिए, उसी के बाद ही अपना हाई जो बनाया था लगभग 600 650 के ऊपर तब जाने की कोशिश करेगा। बट ये नेक्स्ट क्वार्टर में अगर अच्छा करता है फ्रेंड्स तभी ये हो पाएगा, और अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तभी ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें फिर सारे स्टॉक भागने लग जाते हैं, तो उसमें से बंधन बैंक भी एक रहेगा, क्योंकि फिर पॉजिटिव पर रह जाता है, वो न्यूज़ पीछे रह जाती है। फिलहाल अभी गिरावट है तो न्यूज़ का ज़्यादा इफेक्ट है, और थोड़ा सा ये जो प्रोविज़न किया गया है उसका भी इफेक्ट है, और इस्टीमेट दिया गया था लोगों के द्वारा जो रिसर्च हाउस होते हैं तो उनके हिसाब से भी नहीं आया रिजल्ट, तो उसके कारण भी ये गिरावट है फ्रेंड्स। ये टेक्निकल था, और इस बंधन बैंक का ये आप लोगों के लिए फ्रेंड्स खबर थी, और Q3 का रिजल्ट था, और जो ट्रेड है वो उसको दिखाने की कोशिश थी और टेक्निकल दिखाने की कोशिश थी फ्रेंड्स। इसमें जो अगर 470 से नीचे की तरफ कारोबार करता है तो ये लगभग 440 के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो वेट करने की कोशिश करिए, जो ट्रेड करते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस के द्वारा जो एक तरह से 2% नीचे आप स्टॉप लॉस या बाय एंड सेल में, अगर सेल साइड में है तो 2% ऊपर की तरफ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और नीचे की तरफ 2% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और जो लंबे समय के लिए इस बैंक को लेना चाहते हैं तो खबर बनी हुई है अभी, इसके वजह से इनको दिक्कतें हो सकती हैं आने वाले समय के लिए। लगता है कि ये लगभग जैसे कि अगर 470 के नीचे कारोबार करता है 440 430 तक आने की कोशिश करिए, तब वहाँ पर कुछ परसेंटेज आप बाय करने की कोशिश करिए, और अब जो लो है उसको एक तरह से ध्यान रखिए, अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे काफ़ी नीचे की तरफ भी लुढ़क सकता है खबर के कारण फ्रेंड्स। बाकी फाइनेंशियली ये काफ़ी अच्छा कारोबार कर रहा है, 200 करोड़ का एक मामला है, वो समय में फिर आगे बड़ा प्रोविज़न नहीं होगा बैंक के लिए, तो फिर बैंक का शेयर ऊपर की तरफ जाने के फिर बंधन बैंक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये व्यू रहेगा। वेट एंड वॉच करने की कोशिश करिए इसको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फ्रेंड्स। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।